अंतागढ़ से नारायणपुर 45 किलोमीटर सक्रिय सड़क चौड़ीकरण व सड़क चौड़ी होने तक इस पर माइंस के भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर 19 जून को 30 गांव के ग्रामीणों ने भैंस गांव के पास चक्का जाम किया था। प्रदर्शन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कुल 11 घंटे चला। दोपहर बाद धरना स्थल पर भाजपा के पूर्व विधायक भोजराज नाग पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने लगे। इसी दौरान वहां उपस्थित एसडीएम केएस पैकरा से उन्होंने पूछा, सड़क सक्रिय है और इस मार्ग पर माइंस के भारी वाहनों को चलाने से लोगों को परेशानी होती है, रेल लाइन बन चुकी है तो रेल क्यों नहीं चलवा देते। इस पर एसडीएम ने भी जवाब दिया तो विवाद बढ़ गया। एसडीएम ने भी पूर्व विधायक पर सवाल दागा कि आप भी तो यहां के विधायक थे, आपने अपने कार्यकाल में रेल क्यों नहीं चलवाई। इसके बाद तो पूर्व विधायक व एसडीएम के बीच जीवानी जंग तेज हो गई। भोजराम नाग ने कहा, आप रेल क्यों नहीं चलवाते हैं। एसडीएम बोले, आप तो विधायक थे, आपने अपने कार्यकाल में क्यों रेल नहीं चलवाई। इस पर नाग ने कहा, मेरे समय में रेल नहीं बना था। फिर एसडीएम ने जवाब दिया, मेरे जेब में रेल धरा है, जो चला दूं रेल चलाने लायक रहता तो यहां नौकरी करने नहीं आता। मामला यहीं थमा और नाग ने कहा कि मैं उदाहरण दे रहा हूं। इस पर एसडीएम बोले, उदाहरण की क्या बात है, आप एक जवाबदार आदमी हैं। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।